अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां लोकतंत्र सेनानी संघ का संभागीय सम्मेलन 16 अक्टूबर को स्थानीय अटल कुंज ढिकहा में आयोजित किया गया। संभागीय सम्मेलन में रीवा तथा शहडोल संभाग के लोकतंत्र सेनानी, दिवंगत मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी के परिवार एवं लोकतंत्र प्रहरी शामिल रहे। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शिरकत की, जबकि मुख्य वक्ता लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद जनार्दन मिश्रा और अन्य विधायक मौजूद रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य को, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। लोकतंत्र सेनानी संघ के हमारे सलाहकार मसाल पुरुष, इस देश के मूर्धन्य गाइड, गार्जियन एंड फिलोसफर, जिनने इस देश की जड़ता को तोड़ने का काम किया और एक नई आजादी इस देश को दी, ऐसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती का ये स्मृति प्रसंग है। साथ में हमारे उन्हें हम सबके साथ राष्ट्रीय विचार के साथ संपर्कत करने वाले, ऐसे हमारे जो उसूलों के लिए जिए, ऐसे सिद्धांत पुरुष नानाजी देशमुख जी के भी स्मृति प्रसंग पर ये सम्मेलन आयोजित है। और इस सम्मेलन को गरिमा प्रदान करने के लिए आज हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्मान की दृष्टि से ये सर्वोत्कृष्ट पद है मध्य प्रदेश का। ऐसे हमारे श्रद्धेय गिरीश गौतम जी इस अवसर पर हमारे लोकतंत्र सेनानी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, एक विचार नहीं एक परिवार की हुकूमत लगातार इतने लंबे कालखंड तक, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के कालखंड में कोई भी सरकार में नहीं रहा ऐसे खानदान, और इस खानदान को लगातार रहने के कारण पूरे देश में जिस जड़ता का निर्माण हुआ कि लगता था कि शायद अब ये जड़ता कभी अनंत काल तक नहीं टूटेगी। रौरव, भ्रष्टाचार, जन सरोकारों से सरकार का ताल्लुक खत्म, कानून कायदे सब समाप्त, और केवल एक व्यक्ति की तानाशाही, और इस सब में से इस देश की जड़ता तोड़ने के लिए सबसे पहले अगुवाई गुजरात सूबे में चिमन भाई पटेल की सरकार थी। भ्रष्टाचार, साथ में नौजवानों के छात्रावासों के भोजन के दाम बढ़ाए थे, एक आंदोलन खड़ा हुआ और वो इस परिणति तक गया कि उस समय कहते थे कि चिमन चोर की सरकार स्थापन हुई, और ये आंदोलन बढ़कर के बिहार के प्रांगण में आया और बिहार में ऐसा जन सैलाब नौजवानों का। और इसी बीच इस देश के मूर्धन्य राजनेता, जिनके स्वतंत्रता के आंदोलन में अतुलनीय सहयोग है, उनके आंदोलन में गोली तक चली, आजादी के आंदोलन में जेल तोड़ करके भागे, और मूल रूप से वो उनका विचार पहले साम्यवादी, फिर गांधी जी के संपर्क में आए, फिर समाजवादी, और ये रोशनी दिखाने का काम हिंदुस्तान की आत्मा से जुड़े, हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़े, हिंदुस्तान के जन सरोकारों से जुड़े दर्शन के साथ, जब हमारे नानाजी देशमुख ने उनको संपर्क में लाए तो हमारे लोकनायक जयप्रकाश जी ने
कहा कि यदि भारतीय जनसंघ सांप्रदायिक है तो मैं भी सांप्रदायिक। इस देश के विश्वामित्र वशिष्ठ हैं, समाज में आज भी सबसे प्रमाणित कोई लीडरशिप है तो ये लोकतंत्र सेनानियों की है। केवल हमें अपनी ताकत का एहसास, उम्र कोई करने के लिए बंधन नहीं है और इसका प्रमाण जयप्रकाश नारायण से बड़ा कोई हो नहीं सकता।